नमस्कार साथियों, आज हम आए तुलसी निकेतन कॉलोनी में भोपरा में। यहाँ पर जो नाले का कूड़ा निकाला जाता है वो महीनों तक पड़ा रहता है, जिससे समुदाय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बदबू का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया है, परंतु बड़े अफसोस की बात है यहाँ पे ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। आइए क्या समस्या है जानते समुदाय लोगों से। सर नमस्कार जी, क्या समस्या सर आप लोगों की? मैडम यहाँ देखो ये गंद इतना फैला पड़ा है और महीने बीते से पड़ा हुआ, उठाने को राजी नहीं है। बच्चे छोटे छोटे यहाँ खेलते हैं, गंद में गिर जाते हैं, गंदी गंदी मक्खी, गंदे गंदे मच्छर अंदर जाते हैं, खाना प्रदूषित होता है और क्या परेशान है। कब से ये समस्या सर आप? ये करीब करीब 20-25 दिन से निकला पड़ा। यहाँ पे कोई कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहा? अभी आए नहीं है, एक बार आए भी थे तो उनकी करंट खराब हो गई तो वो आए नहीं लेने, उठाने ही नहीं आए। क्या इस समस्या को लेकर आपने प्रशासन से कंप्लेंट करी, जैसे यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है? जी नहीं, हम गरीब आदमी हैं मैम, हम पता वहाँ कहाँ पड़ेंगे, हम तो आप लोग आ गए, आपकी सेवा के साथ लगे। चाहते क्या सर? ये चाहते हैं मैम ये हट जाए, गंद हट जाए यहाँ से, बच्चों का खेलना कूदना सही रहे। कितने लोगों की ये समस्या है? देखो बोलो, ये सभी खड़े हैं गली वाले, पूरी गली। कितने यहाँ पे कॉलोनी में घर निवास करते हैं यहाँ पे? जैसे भी वार्ड नंबर 20 का है जी ये, और वार्ड नंबर 20 में सभी आते हैं यहाँ लोग, और ये तो वैसे भी सर्विस रोड है, पानी तो भरता ही भरता है, लेकिन सर्विस रोड है, आने जाने वालों की बाइक निकलती है, बच्चे ये उसमें परेशान हो जाते हैं, इसलिए ये उड़ जाए गंद तो ज़्यादा बढ़िया है, दुनिया हिलती है। मैम यही चाहते हैं मैम कि ये सफाई रहे बस, गंदगी ना रहे। नंबर 20 में ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे नहीं खेल सकते और फिर ये ना मच्छर अंदर जाके बैठते हैं, खाने पे, घर की चीज़ों पे, जिससे गंदगी पे वो होती है, बीमारी पैदा होती है। बस ये चाहते हैं हम कि सफाई रहे, ये उड़ जाए यहाँ से। 20-25 दिन हो गए हैं ये उठाते ही नहीं है, कूड़ा निकाल जाते हैं फिर ना इतने दिन तक पड़ा रहता है कूड़ा। क्या समस्या सर आप लोगों की? समस्या ये ही नाला साफ होगा पर ये कूड़ा नहीं उठाया, आज तक कम से कम एक महीना से ऊपर हो लियो, और यहाँ रोज बदबू और मच्छर दुनिया भर के पैदा हो रहे हैं। कितने लोग इस समस्या से प्रभावित होंगे सर? कम से कम यहाँ से लेकर वहाँ तक नाले से उठो ही ना आज तक कूड़ा सकला। क्या आप लोगों ने यहाँ पे इसकी प्रशासन से कंप्लेंट करी, जैसे कूड़ा नहीं उठ रहा ये? नगर निगम वाले आते हुए कूड़ा उठाते हैं, अब प्रशासन से क्या कंप्लेंट करें, निगम वाले कहते हुए सुनते नहीं है जी। इस समस्या से कितने लोग प्रभावित होंगे सर? कम से कम 100-150 लोग तो प्रभावित है ही, वहाँ तक पूरी बात की थी। चाहते क्या सर आप लोग? भाई कूड़ा उठ जाए, हम तो यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं बताओ जी। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार मैम, बताइए मैम क्या समस्या मैम? ये कूड़ा हमने अभी कल भी यहाँ के ग्रुप का है, वहाँ पे ग्रुप का वो बना हुआ, क्या बना हुआ, वेलफेयर ग्रुप बना हुआ, उनने भी मैसेज किया था, वो कहते उठ जाएगा 2 दिन में, तो ये बार बार गीला हो जाता है इसलिए उठता नहीं है, मना करते हैं कि गीला इसलिए उठेगा नहीं, तो गीला का कूड़ा उठता नहीं है, समस्या नहीं हो रही। हम लोगों ने बोली है, जब गाड़ी आई थी उनको भी हमने कहा था, पर्सनली जाके बोला था कि आप उठा दो, तो कह रहे इतना गीला उठेगा नहीं, फिसल जाएंगे लोग, मतलब रोड पे गिरेगा फिसल जाएंगे लोग, क्लिक करेंगे गाड़ियाँ, इसलिए नहीं उठाया था। कब से हो रही है ये समस्या, जैसे कूड़ा है आप कब से हो रही है? ये जब भी निकलता है ना थोड़ा लेट उठता है, आते ही नहीं। तुलसी निकेतन के मार्केट है, यहाँ पे 200 दुकानें हैं, उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समुदाय बैठक की उनकी समस्या जाने स्कैनर के आवेदन पत्र लिखा नगर निगम के अधिकारी को, फिर हम नगर निगम के अधिकारी के ऑफिस गए, वहां पर हम नगर निगम के अधिकारी से मिले, उनको हमने वीडियो भी दिखाया, उनको हमने आवेदन पत्र दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि मैं इस पर जल्दी कार्रवाई करूंगा। साथ ही आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। फिर हम मिलते हैं नई रिपोर्ट के साथ। थैंक यू साथियों।